ऑफ सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में अब हमारे लिए आत्मनिर्भर बने बिना कोई चारा ही नहीं। ये सिर्फ यूं ही भाषण में कह देने भर की बात नहीं थी, ये संकल्प देश के 135 करोड़ लोगों की जिंदगी में बदलाव का संकल्प है। आप समझते हैं कि सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने के क्या मायने हैं? ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था का ट्रांसफॉर्मेशन है। क्या भारत के मैन्युफैक्चरर्स इसमें अपना लीड रोल नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते हैं प्रधानमंत्री जी? आपके संकल्प और आपकी मेहनत के साथ तो पूरा देश जुट जाता है। बिगुल बज गया है गुजरात की धरती से, यह आपकी ही जीतोड़ कोशिश का नतीजा है कि अहमदाबाद की धरती भारत को सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने वाली कर्म भूमि बनने जा रही है। देश की दिग्गज माइनिंग कंपनी वेदांता ताइवान की कंपनी फॉक्सकॉन के साथ मिलकर बड़ा सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने जा रही है। गुजरात सरकार इसके लिए 1,000 एकड़ जमीन मुफ्त देने का ऐलान कर चुकी है। सिर्फ जमीन नहीं, 20 साल के लिए रियायती दर पर बिजली और पानी भी मुहैया करवाया जाएगा। इस ज्वाइंट वेंचर पर वेदांता ग्रुप और फॉक्सकॉन 2,000 करोड़ डॉलर का इन्वेस्टमेंट करेंगे। गुजरात सरकार ने इस प्लांट के लिए जो मुफ्त जमीन और सुविधाएं दी हैं, अब उनके मायने समझिए। 2,000 करोड़ डॉलर के इस इन्वेस्टमेंट से 20,000 से 25,000 लोगों को सीधे तौर पर नौकरियां मिलेंगी और लगभग इतने ही लोगों को इनडायरेक्ट जॉब्स मिलेंगी। हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग का क्लस्टर तैयार हो जाएगा। हर साल कई 1,000 करोड़ का टैक्स सरकार के पास आएगा। आसपास सहायक यूनिट्स लगेंगी जो छोटे मोटे पार्ट्स या दूसरी चीजें बनाएंगी, उनसे भी रोजगार पैदा होगा, टैक्स आएगा। और सबसे बड़ी बात, भारत सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होगा, जिससे तमाम इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर, लैपटॉप्स और कारों का बाजार तरक्की करेगा। सेमीकंडक्टर की कमी का दर्द तो हमारी ऑटो इंडस्ट्री आज भी देख रही है। स्वदेशी सेमीकंडक्टर होने से इन प्रोडक्ट्स की कीमतें बेहद ही कम हो जाएंगी। यही वजह है कि पीएम मोदी के इस संकल्प से सबसे ज्यादा परेशान चीन और अमेरिका जैसे देश हैं। आप समझ नहीं सकते कि इस सेमीकंडक्टर में भारत को फिर से विश्व गुरु बनाने का दम है।